दर्द नहीं, इधर कोई दर्द नहीं, इधर कोई दर्द नहीं, इधर कोई दर्द ऐसा लग रहा, मतलब वजन सा बढ़ रहा है, वजन सा बढ़ रहा है जैसे, है ना, क्योंकि पेट जो है वो ये इतना पेट बहुत टाइट है और यही अंदर की तरफ खिंचता रहता है हर समय, तो मतलब ऐसा लगता है कोई अंदर की तरफ खींच रहे हैं। नाभि जो है, नाभि एग्जैक्टली ऊपर है, ये जो कि आपको मैं चेक करा देता हूँ, ऐसे करो आप सीधा दबाओ मत, जस्ट फील, रिलैक्स हो जी, फील हो रही, अच्छी खासी फील हो रही, यस, मतलब अपनी जगह से वो ऊपर है जी। और हमेशा प्रॉब्लम जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि नाभि बार 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 अपसेट होती रहेगी आपकी, तो क्या होगा, ये जो दोनों लाइन है ना, इनमें खिंचाव आना शुरू हो जाएगा और इसी खिंचाव की वजह से आज पेट की जो कंडीशन बन रही है ना आपकी, बिल्कुल लूज छोड़ दो एकदम पेट, ये देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि पेट दिखाई दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि पेट है ही नहीं, खत्म हो गया, खत्म नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी, और ये बगल वाली साइड वाली हड्डी ये दिखने लग गई, यानी यहाँ से मसल्स जो है जो पेट के ऊपर होने चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो गए। और ये क्यों हुए, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से जो आपका 8-9 किलो वजन कम हो गया ना, कम होता ही जा रहा। और मेरे को लगता है कि हम लोग तो हर एक वीडियो में यही समझाते हैं कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप नाभि पे ध्यान दो जी। और आज आपके साथ भी वही मिला है हमें कि नाभि जो है आपकी वो अपनी जगह से ऊपर है जी। सर मैंने वीडियो देखी आपका, तो प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगा कि मुझे सेम कंडीशन है। यस साथियों, आज आप लोग भी अगर किसी भी व्यक्ति को पेट की समस्या है तो जरूर हमें नाभि पर ध्यान देना चाहिए। नाभि पर क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, यानी केंद्र बिंदु है, जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर डिपेंड रहता है। और नाभि अपसेट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और आज हमारे साथ जो सज्जन हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और वो हमारे पास काफी दूर से आए हैं। मैं एक बार आपको बताता हूं, उनका अपना नाम बहादुर सिंह यादव है और वो झांसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। साथियों, पेट की समस्या की वजह से उनका अपना वजन जो है वो 8-9 किलो कम हो गया है, और वजन कम होने की वजह से ही अगर आप देखेंगे तो पेट के फैट जो है, यानी पेट के मसल्स जो है, वो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है जैसे है ही नहीं पेट के ऊपर। इसकी वजह से अब क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी पेट अच्छे से साफ नहीं होता, भूख बहुत कम हो गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और नले तो पेट में बिल्कुल अकड़े पड़े हैं एकदम, ये जो पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन बहुत सख्त है। और ये क्यों हुई है, क्योंकि नाभि इनकी पिछले काफी टाइम से अपनी जगह आई ही नहीं रही है, यानी सेट ही नहीं हो रही, इसी वजह से नले की समस्या हो रही है। दोस्तों और साथियों, आज हमारे युवा भाइयों के लिए पेट की समस्या एक अभिशाप बन गई है, और इसको हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा, यानी बहुत सारे हमारे जो युवा भाई हैं जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन पेट की समस्या की वजह से बहुत कुछ वो सहन कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और उनकी अपनी कंडीशन में कोई भी दवाई काम नहीं करती, कोई भी मेडिसिन किसी भी तरीके से काम नहीं करती है। और अगर हम बात करें न्यूरोथेरेपी की, तो न्यूरोथेरेपी में पेट की समस्या के लिए पूरी तरह से और बिल्कुल दवा रहित इलाज है। अगर हम बात करें समय लगने की, तो ये सब कुछ आपकी अपनी समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी अपनी समस्या किस लेवल की है, आपका पेट जो है वो कितना ज्यादा टाइट हो गया, यानी कड़क हो गया है। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट मैं यही कहूंगा कि न्यूरोथेरेपी में पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा इलाज है। तो अभी भी
समय है और बहुत अच्छा समय है कि आप अगर पेट की समस्या फेस कर रहे हैं तो न्यूरोथेरेपी जरूर अपनाएं, और न्यूरोथेरेपी अपनाएंगे तो पेट की समस्या डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।